हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम देखें कि जिसमें दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। अभी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में तीन रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में तीन फाइंड करना हो, चार फाइंड करना हो या पाँच फाइंड करना हो, हमारा प्रोसेस जो होगा, जो रूल्स होगा, वो ऐसे चलेगा। तो एट फर्स्ट हमें एक बात ये ध्यान देना है कि यहाँ ये नहीं जरूरी है कि हमारे पास में डिनोमिनेटर पहले में भी 5 है, सेकंड में 5 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है जो क्वेश्चंस आपके पास होंगे उस क्वेश्चंस में पहला जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो छोटा होगा और बाद वाला जो रैशनल नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे पहले वाले रैशनल नंबर को 3/5 एक्स मान लेंगे इसको, और दूसरे वाले को y लेट कर लेंगे y=4/5। एंड यहाँ पर एक हमारे पास में आ जाएगा n, n मीन्स कि जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। तो नंबर यहाँ 3 है, n हमारा 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो d का वैल्यू फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला होता है y-x/(n+1)। यहाँ y हमारे पास में 4/5 है माइनस एक्स हमारे पास में 3/5 है अपॉन एन का वैल्यू 3 और प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एलसीएम में आ जाएगा 5, ये 4-3 अपॉन हमारा हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5, ये डिवाइड में 4 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1/4 होगा, यानी डी का वैल्यू हमारे पास में आ गया 1/20। अब 1/20 हमारे पास में डी का वैल्यू आया, तो अब क्या करेंगे ना, तीन रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सो द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो पहला रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो पहला का हो जाएगा हमारा x+d। x का वैल्यू हमारा 3/5 है तो 3/5, प्लस d का वैल्यू हमारा 1/20 तो 1/20। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम हमारा 20 होगा, 20 को 5 से डिवाइड देंगे 4 होगा, उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पर 1 होगा, इसका मतलब कि 13/20। दूसरा निकालना होगा तो हो जाएगा x+2d। एक्स का वैल्यू हमारा 3/5 प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 1/20। इसको कैंसिल करेंगे 10 होगा, मतलब 3/5 प्लस 1/10 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 होगा और प्लस 1, दैट मीन्स सेकेंड रैशनल नंबर हमारा आ गया 7/10। इसी तरह से हम थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे जो कि हमारा होगा x+3d। एक्स का वैल्यू हमारा 3/5 प्लस 3 × d का वैल्यू हमारा 1/20। इसको हम लिखेंगे 3/5 प्लस 3/20। एलसीएम अगर हम लेंगे तो होगा 20, 20 को 5 से डिवाइड तो 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, ये 20 1 डिवाइड करने पर उसको 1 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 15/20, जो 5 के टेबल से कटेगा तो 5 3 जा और 5 4, यानी कि हमारा 3/4 आया। यानी कि हमारे पास में पहला रैशनल नंबर 13/20, दूसरा 7/10 और तीसरा हमारा 3/4 आया। मीन्स हम कहेंगे कि ये तीनों रैशनल नंबर्स, यानी कि हैंस 13/20, 7/10 एंड 3/4 आर द 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये हमारा हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि इसमें हमारा 3 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया था। अगर 4 बोलता, 5 बोलता तो सेम इसी तरह जाते हैं। हम 3 तक 3 निकालने बोला, इसलिए हम x+3d किया। अगर 4 बोलता तो x+4d करते, x+5d करते,
इस तरह से जितने भी रेफरेंस बोले जाएंगे उतने को हम फाइंड कर सकते हैं।